मैं पहुंच चुका हूं हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और अभी आपको भद्रकाली माँ के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने यहाँ पर महाभारत से पहले पूजा अर्चना की थी और महाभारत जीतने के बाद यहाँ पर घोड़े चढ़ाए थे। उस दिन से घोड़े चढ़ाने की प्रथा यहाँ पर शुरू हुई थी। लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, अगर मन्नत पूरी होती है तो लोग यहाँ पर घोड़ा चढ़ाते हैं। तो टोटल 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर विराजमान है, माता जी का दाया टकना। तो आइए चलते अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं।
जय माता जी। जय माता जी, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र में। थैंक यू। हम इस वक्त खड़े हैं झांसा रोड, यहाँ पर प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर झांसा रोड कुरुक्षेत्र स्थान का नाम है। ये 51 शक्तिपीठों में आता है। जैसे संसार के लोक कल्याण के लिए माँ भगवती के शरीर के विसर्जन अंग जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हुए हैं। नैन गिरे हैं नैना देवी में, जीप गिरी है ज्वाला में, केश गिरे हैं शाकुम्बरा में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ स्थित झांसा रोड कुरुक्षेत्र में माता का दाया टखना राइट एंकल विराजमान है। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से अपनी पूजा पाठ करने के लिए, अपने मन्नत मांगने के लिए आते हैं। महाभारत से पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों के सहित यहाँ पर पूजा अर्चना की थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यादव हैं और यादों की कुल देवी है माँ भद्रकाली। उन्होंने यहाँ आकर माँ देवी से प्रार्थना की, ये जगत जननी, हम तेरे देव स्थान में पधारे हैं। अगर मैं पांडवों के साथ महाभारत युद्ध विजय हुआ तो जिस रथ पर मैं सवार हूँ उस रथ के दो उत्तम अश्व घोड़े मैं आपकी सेवा में दान कर जाऊँगा। आज लोग यहाँ पर अपनी मन्नत मांगते हैं और जब वो मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर घोड़े चढ़ाते हैं। समय अनुसार मिट्टी के, चांदी के, लकड़ी के, सोने के, जैसी जिसकी भावना होती है ठीक उसी प्रकार से माँ को घोड़े समर्पण किए जाते हैं। जय माँ भद्रकाली। जय हो।